अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मेरे भारत भारतवासियों पर दुनिया दुनिया वालों पर अमन सलामती शांति उन्नति नाजिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से मुसलमानों ने फिर से रहम दिखाते हुए 8 हिंदुओं हिंदुस्तानियों को माफ कर दिया जो इसराइल के लिए जासूसी करते हुए खतर में कैद में थे, मौत की सजा पाने वाले थे। मुसलमानों ने फिर से रहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही रब इलाह, एक ही मालिक खुदा गॉड अल्लाह के हुक्म की वजह से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से कि रहम को पसंद किया गया, माफी को पसंद किया गया कुरान हदीस में, इसलिए मुसलमानों ने फिर माफ कर दिया 8 हिंदुस्तानियों को। मैं इलिया शरफुद्दीन स्लेवोफल्ला इंडियन आर्मी नायक का बेटा होने के नाते खतर के रूलर्स को अथॉरिटीज को इसके लिए थैंक यू बोलता हूं और सबसे मैं गुजारिश करता हूं हिंदुस्तानियों और सबसे, आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। इस्लाम लाओ, दौलत भी रहेगी, इज्जत भी रहेगी, रहम भी रहेगा, कामयाबी भी रहेगी, अदल भी रहेगा, इंसाफ भी रहेगा। इस्लाम से कामयाबी, लिंगम योनि जानवर पत्थर मूर्ति इंसान मुर्दे तागे तावीजा गंडे पलितों की पूजा से नर्क जहन्नुम बर्बादी, इस्लाम लाओ कामयाब हो जाओ।